अच्छा सुनो, तुमको एक अंदर की बात बताऊं? बताओ। मुझे पथरी है। अच्छा कनिका, मैं सोच रहा था कि तुम बहुत दिन से कोई फिल्म नहीं देखी हो, तो मैं ऑफिस के बाद तुमको फिल्म दिखाऊं? कल ही तो मैंने देखी है, बॉस के साथ गई थी। बेबी बाबू कनिका, यही तुम्हारी गंदी आदत लगती है मुझे, उस खड़ूस के साथ क्यों जाती हो? अरे अगर मैं उसके साथ फिल्म देखने नहीं जाती हूँ ना, तो उसको लगता है मेरा कहीं और अफेयर चल रहा है। इतना शकी कि दिन में 6 से 7 बार मेरा मोबाइल फोन चेक करता है, पर्सनल सेक्रेटरी को पर्सनल प्रॉपर्टी समझता है कमीना। ओए ये बाबू बाबू कनिका, तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी बॉस की कुर्सी पे बैठूंगा, मैं वचन देता हूँ। हाँ ए बोल बच्चन, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तो अब भी दिन में 3 से 4 बार बॉस की कुर्सी पर बैठती हूँ। और बॉस बॉस गुस्सा नहीं करता है? नहीं। अच्छा साले को मैं बताऊंगा। सुनो ना एक बात बताऊं? क्या? तुम जब मेरे पास रहती हो ना तो मुझे सब कुछ अच्छा लगता है, मुझे लौकी में भी पनीर का टेस्ट आता है। हेलो जय श्री कृष्णा। जय बजरंगबली। क्या चल रहा है भाई मेरे ऑफिस में? अमित ने लंच के लिए इंसिस्ट किया तो हम बस लंच कर रहे थे। और यकीन मानिए सर, हम सिर्फ खा रहे थे। मैंने खाने में तो पनीर की बात सुनी थी, पर इधर तो खाली लौकी है, फिर खा क्या रहे थे हैं? पनीर का क्या कोड है बोल? हेलो हेलो, खाने के लिए नहीं बोला है, पनीर का कोड पूछा है। सर पनीर का कोई कोड नहीं है सर, आपकी कसम। तेजाब दो। पानी पानी पानी। अरे इतिहास गवाह है, जब भी बड़े बड़े राजा महाराजाओं का तख्ता पलट हुआ है ना, तो उसके आसपास के लोगों ने कोड लैंग्वेज में बात किया है, ताकि राजा को समझ में नहीं आए। अरे मुझे शक है कि तू मेरा तख्ता पलट करके मेरे सिंहासन पे बैठना चाहता है। अरे काहे का सिंहासन सर, 7 साल की पुरानी लेदर की कुर्सी है, उस पे बैठने पे आवाज आती है। ओ मुंजी माय गॉड, तू इसको डेट रही है? इसको तू डेटिंग कर रही है? नहीं नहीं सर, मैं तो इसे बता रही थी कि मैं अब भी दिन में 3 से 4 बार आपकी कुर्सी पर बैठती हूँ। ये वाली बात तूने उसे बता दिया? इसका मतलब है कि हमारी कंपनी के बहुत सारे सीक्रेट भी तूने इसे बताए होंगे, वो बता दिया। काहे का सीक्रेट सर, अंडरगारमेंट्स की तो कंपनी है अपनी, अब कौन सा सीक्रेट बाकी रह गया? ए गधेड़ा, अंडरगारमेंट इंसान की सबसे सीक्रेट चीज होती है, समझा? तो कौन सा रंग किया, कौन सा डिजाइन किया है, कौन सा क्या है, उसमें होल है कि नहीं है, ये सब उसी इंसान को पता होता है, होना चाहिए। तुम दोनों ने मिलके मुझे धोखा दिया है। नहीं सर, मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया है सर। ये अमित मुझसे मुझे बोल रहा था कि मैं आपके साथ पिक्चर देखने क्यों जाती हूँ। ये भी बता दिया? इसका मतलब है कि ये हमारी जासूसी करता है। मैं तुझे अभी के अभी इस कंपनी से बाहर निकालता हूँ, यू यूजलेस, नाउ ऑनवर्ड्स यू आर जॉबलेस। ठीक है सर, मुझे जॉब से निकाल दीजिए, लेकिन आप कनिका को भी निकालिए। क्या मतलब? क्यों गांडा? क्योंकि ये भी मेरे साथ 1-2 बार फिल्म देखने गई है। एक दो बार गई है? सिर्फ एक बार गई हूँ। एक बार गई है? अच्छा एक बात बताओ, क्या वो दुनिया की सबसे फ्लॉप फिल्म थी? क्या पता। उस थिएटर में तुम दोनों के अलावा कोई नहीं था? क्या पता। क्या इंटरव्यू में तुम लोगों ने पॉपकॉर्न मंगाया था? क्या पता। पॉपकॉर्न खाते खाते तुम दोनों के हाथ एक दूसरे से टकराए थे? क्या पता। वो है बात जो है वो हाथ के टकराने तक नहीं रुकी और उसके बाद आगे चलती गई। क्या पता। Oh my God, you both are fired, निकल जाओ। जी सर जी।